या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संशिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज का ब्लॉग हम जा रहे हैं गौरी मंदिर, जो कि भुवनेश्वर में है, और आप उसके लिए 18 नंबर का बस ले सकते हैं। सॉरी, आई थिंक मैंने कुछ गलत कहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली उस तरफ जाने के लिए आपको 13 नंबर का बस लेना पड़ता है। ये मंदिर लिंगीपुर में है, तो क्योंकि नवरात्रि चल रही है और माता का दिन चल रहा है, तो हम बहुत खुशी से निकले थे। धूप तो बहुत हो रही थी, पर मन में वही आशा थी कि आज माँ को देखेंगे और माँ से आशीर्वाद लेंगे। भुवनेश्वरी माता भुवनेश्वर के कण कण में बसी हुई है और वही पूरे भुवनेश्वर को संभाल के रखा हुआ है। उनका नाम भुवनेश्वरी माता है और गौरी माता भी कहलाती है, उनको केदार गौरी भी कहते हैं। तो ये है मुक्तेश्वर मंदिर, जहाँ पर बहुत पुरातन मंदिर है, जहाँ पर बहुत सारे शिवलिंग हैं, और इसके अगर हम लेफ्ट साइड जाते हैं तो यहाँ पर माँ भुवनेश्वरी माता का मंदिर आता है। और यहाँ पर हम मंदिर में थोड़ा दर्शन कर लिए, क्योंकि फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं था, हमने अंदर का शूट नहीं किया है, ओनली हमने बाहर का शूट किया हुआ था। और ये बहुत पुरातन मंदिर था, इतना ही मंदिर है और यहाँ पर सिर्फ शिव जी ही हैं, और माता पार्वती का मंदिर ये है, जो कि माता गौरी का मंदिर भी है। यहाँ पर हमने पुराने आर्टिक्स एंड सब देखा, ये भी एक शिवजी का ही मंदिर था और यहाँ पर एक फैमिली आया हुआ था। यहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ थी, यहाँ पर पैर धोना अच्छी बात होती है, क्योंकि इसको नरेंद्र पुखुरी भी कहा जाता है। यहाँ पर एक बड़ी मछली भी थी जिसको हमने देख कर बहुत खुशी हुई, और धूप थी इसीलिए हमने जल्दी जाने का सोचा हुआ था, बट देन टू बहुत प्यारी मछलियाँ थी और पूरे परिवार के साथ थी, खुशी मना रही थी अपने घर वालों के साथ। और यहाँ पर दीप लगाने का जगह था, ये मंदिर का अंदर वाला हिस्सा है और माता को डायरेक्ट फ़ोटो निकालना अलाउड नहीं था, इसीलिए हमने बाहर से ही निकाला हुआ था। और यहाँ पर थी माँ तारिणी। हम फिर चल पड़े अपने घर की तरफ, क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी और बहुत धूप ही हो रही थी। माता से अच्छे से दर्शन किया और माता से सिर्फ इतना ही प्रार्थना थी कि दुनिया में सब खुश रहे और सबके जीवन में शांति हो। इतना कह के हम ये वीडियो का एंड करते हैं। जय माता दी, जय भुवनेश्वरी मैया की।